शहर की आबोहवा इतनी बिगड़ चुकी है कि अब व्यस्त चौराहों पर भी एयर प्योरीफायर लगवाने की जरूरत पड़ी है। हर साल शहर में वायु और ध्वनि प्रदूषण पर सर्वे करने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सोलॉजिक रिसर्च ने इस बार पोस्ट मानसून रिपोर्ट में यह नया सुझाव जोड़ा है। मानसून रिपोर्ट में प्रोजेक्ट के टीम लीडर डॉक्टर एस सी बर्मन के मुताबिक यातायात की समस्या से जूझ रहे शहर के बड़े चौराहों पर धूल हटाने वाली मशीनें लगाकर हवा को साफ रखा जा सकता है। इस तरह की मशीन धूल में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर को अवशोषित कर लेती है। कई कंपनियां ऐसी मशीन बना रही हैं और दिल्ली में कुछ जगहों पर इसके इस्तेमाल पर चर्चा चल रही है। IITR की ओर से बुधवार को जारी पोस्ट मानसून रिपोर्ट के मुताबिक शहर में इंदिरानगर, आलमबाग और चारबाग इलाके में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। IITR की टीम ने सितंबर अक्टूबर महीने में पूरे शहर के 9 स्टेशनों पर हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों का आकलन किया। इस दौरान PM10 और PM2.5 के लिहाज से रिहायशी इलाकों में सबसे प्रदूषित हवा इंदिरानगर की पाई गई। पिछले साल भी इंदिरानगर सबसे प्रदूषित रिहायशी इलाका था। इसी तरह व्यवसायिक इलाकों में PM10 के लिहाज से आलमबाग और PM2.5 के लिहाज से चारबाग की आबोहवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। वाहनों के कारण बढ़ रहा है प्रदूषण। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे शहर की हवा में पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5 की मानक से अधिक मिले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा खतरे के लेवल से कम मिली। इसके अलावा शहर में बढ़ते वाहन आबोहवा खराब होने के सबसे बड़े कारण हैं। पिछले साल शहर में 18.64 लाख थे, जो इस साल बढ़कर 20.8 हजार से ऊपर पहुंच चुके हैं। न्यूज टाइम्स के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।